किसलास्की ने कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव में किस प्रकार से बांटा था। यहाँ देखिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में उपभोक्ता की बजट रेखा ए बी है। इस बजट रेखा के पी बिंदु पर आईसी वन वक्र उपभोक्ता संतुलन में है। जब एक्स वस्तु सस्ती होती है तो इसकी बजट रेखा ए बी डेस हो जाती है और ये नई परिस्थिति में आईसी टू के आर बिंदु पर संतुलन में होता है। इस प्रकार पी से आर तक उपभोक्ता का जो मूवमेंट है वो कीमत प्रभाव की वजह से होता है। अब इस कीमत प्रभाव में कितना अंश प्रतिस्थापन प्रभाव का है और कितना अंश आय प्रभाव का है, ये जानने के लिए स्वास्थ्य के अनुसार उपभोक्ता की आय में इतनी कटौती की जानी चाहिए कि वह चाहे तो वापस पुराना जो संतुलन बिंदु उसे प्राप्त कर सके। तो हमने ये कटौती करी है, पी बिंदु वापस प्राप्त कर सकता है, ये इसकी नई इनकम रेखा है। इस परिस्थिति में देखिए, नई परिस्थिति में चूंकि एक्स वस्तु उपभोक्ता को सस्ती लग रही होती है तो ये वाई वस्तु से साधन निकालकर एक्स वस्तु में लगाता है और वापस इसी वक्र पर संतुलन में नहीं होकर इससे ऊंचे उदासीनता वक्र पर आईसी वन डैश के क्यू डैश बिंदु पर संतुलन होता है। इस स्थिति में जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो आपका के से लेकर एल डैश तक है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और क्यू डैश से आर तक इनकम इफेक्ट है। इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये इसका आपका हुआ के एल और इनकम इफेक्ट हुआ एल एम के एल डैश और एल डैश एम। तो कुल प्रभाव प्राइस इफेक्ट जो होता है वो होता है के एम। इस प्रकार से हिक्स और जो स्लास्की है उन दोनों का जो कीमत प्रभाव है वो समान है।